Hello friends, in today's video we will be going to discuss the last part of accounting for share capital and debentures, and in this part we will be going to discuss about the issue of debentures and how to show the accounting treatments of debenture. Debenture kya hai, debenture ke accounting treatments kaise kiye jayenge, we will be going to present in this video. So stay tuned with what is debentures and how the accounting treatment of debentures will be shown and how these debentures are different from shares and what are the role of these debentures, we will be going to discuss in detail in this video. डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स कंपनी के लिए बोरोड डॉक्यूमेंट है. बोरोड डॉक्यूमेंट मीन्स व्हाट? शेयर्स क्या थे? शेयर्स जिसके पास होते थे उसे शेयर होल्डर्स कहते थे. एग्जैक्ट उसी सेंस में जिसके पास डिबेंचर्स होंगे उसे डिबेंचर होल्डर कहा जाएगा. बच्चों, शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स में थोड़ा अंतर है. शेयर होल्डर्स आर नोन एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी, वेर एज द डिबेंचर होल्डर्स आर नोन एज द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, वेर एज डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स. दे आर द लेंडर्स टू द कंपनी, दे लेंड मनी फॉर द कंपनी. एंड दैट इज वाई कंपनी बोरो मनी, कंपनी डिबेंचर होल्डर से पैसे ले रही है और वो उस पैसों को उधार के नाम पर ले रही है. जबकि शेयर से, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, उनसे वो शेयर्स उधार के नाम पर नहीं, उनसे वो एज अ ओनर, एज अ मालिक के नाम पर ले रही थी. बट डिबेंचर होल्डर से वो पैसे वो उधार के नाम पर ले रही है कि भैया हम आपको इस पैसों को वापस लौटा देंगे. एग्जैक्ट हर चीज इसमें शेयर्स की तरह ही है, बट थोड़े से कुछ डिफरेंस आपको फॉलो करने हैं कहीं कहीं जगहों पर. अब डिबेंचर होल्डर्स एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कितना जरूरी है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है. डिबेंचर होल्डर्स और डिबेंचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंट्स एग्जाम में 6 मार्क के लिए आता है. अब ये 6 मार्क के लिए क्या क्या सकता है, उससे पहले डिबेंचर्स के बारे में कुछ कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं. सबसे पहले जिसके पास डिबेंचर होगा वो डिबेंचर होल्डर कहलाएगा. डिबेंचर होल्डर लेंड्स मनी टू द कंपनी. डिबेंचर होल्डर की इनकम क्या है, उस इनकम को बोलते हैं इंटरेस्ट. और ये इंटरेस्ट फिक्स्ड है, शेयर होल्डर्स की तरह नहीं. डिविडेंड प्रॉफिट है तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी. नहीं, प्रॉफिट हो या नहीं हो, आपको इन्हें इंटरेस्ट पे करना ही होगा, क्योंकि ये आपके घर के नहीं है, ये आपके बाहर के लोग हैं जिनसे आपने कर्ज लेकर रखा हुआ है. और ये आप कंपनी में इन्वेस्टर्स के लिए तो कर रहे हैं ताकि इनको रेगुलर इंटरेस्ट मिल सके. तो बच्चों, द पर्सन हु होल्ड्स डिबेंचर्स आर नोन एज डिबेंचर होल्डर्स. दे आर द लेंडर्स फॉर द कंपनी. कंपनी बोरोस फॉर देम, बोरोस फ्रॉम देम, एंड दे आर पेड इंटरेस्ट. दे आर पेड इंटरेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस. इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी हाफ ईयरली, इट कैन बी एनुअली. नॉर्मली हाफ ईयरली और एनुअली होता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी. अब ये थी मेजर चीजें. डिबेंचर्स के भी जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप हुआ करते थे, वैसे डिबेंचर्स के भी टाइप होते हैं. इट कैन बी रजिस्टर्ड बेयर डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, इररिडीमेबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड वाइस वर्सा. बहुत सारा डिबेंचर्स का टाइप है. बच्चों, डिबेंचर्स क्योंकि कंपनी के बोरोवर्स हैं तो इनके राइट्स शेयर होल्डर्स से ज्यादा हैं. राइट्स कौन कौन से? सबसे पहला राइट इंटरेस्ट पे किए जाने का राइट, और दूसरा राइट इनका पैसा वापस किए जाने का राइट. जब भी पैसे इनकम देने की बात आएगी तो सबसे पहले इनकम इन्हीं लोगों पे की जाएगी, शेयर होल्डर से पहले. और दूसरा, जब कभी भी कंपनी बंद होने की नौबत आ जाएगी तो सबसे पहले इन लोगों के पैसे चुकाए जाएंगे और उसके बाद शेयर होल्डर्स के पैसे चुकाएंगे. अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, तो आओ पहले डिबेंचर्स इश्यू कर लेते हैं. डिबेंचर्स इश्यू कैसे करेंगे? डिबेंचर इश्यू करने का सेम तरीका है. डिबेंचर कैन बी इश्यूड एट
lump sum or a debenture can be issued at installments. ये दोनों मेथड याद ही होगा, एग्जैक्ट जो चीजें वहां करते थे शेयर होल्डर्स के साथ में, एग्जैक्ट वो चीजें यहां भी करेंगे. पहले क्या करते थे, पहले पैसे लेते थे, लमसम मतलब सारे पैसे एक बार ले लो, और इंस्टॉलमेंट मतलब सारे पैसे एक बार नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में लो. एग्जाम्पल, 1000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए की है, तो इट कम्स टू 1 लाख रुपीज. आओ देखते हैं क्या एंट्री मारेंगे. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू, वहां लिखते थे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहां लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दैट्स इट. अमाउंट 1 लाख, 1 लाख. मनी रिसीव्ड, मनी ड्यू, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, वहां लिखते थे शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां लिखेंगे टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट. 1 लाख, 1 लाख, 1, 2. ये एंट्री तब मारना जब आप लमसम मेथड में करेंगे. और एक बात और, डिबेंचर वाले चैप्टर में हमेशा ध्यान रखें कि आप हमेशा लमसम मेथड ही करेंगे, इसलिए ये दोनों एंट्री हमेशा ध्यान रखें. आपको यही दोनों एंट्री मेजर पढ़नी है. इस वीडियो के आगे वाले पार्ट में देखेंगे हम लोग कि कैसे इसमें कुछ एडवांस चीजें आ जाएंगी. तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन डिविडेंड इश्यू कर दिया उसी दिन डिविडेंड को वापस करने की भी तैयारी हो जाती. क्यों? क्योंकि आपका लोन है, इस लोन को आपको पे करना है, और लोन को पे करने की जिम्मेदारी कंपनी को पहले से ही लेकर करनी होती है. ये नहीं कि 5 साल पूरे हो गए, पैसे मांग लिए और वो पैसे तुरंत एक ही बार में लौटा के दे दो. उतना प्रॉफिट घटाना मतलब कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए उस पैसों का बंदोबस्त पहले से करके रख लो. इंस्टॉलमेंट मेथड जो हम लोग शेयर्स में करते थे, एग्जैक्ट वही चीज यहां पर भी है, तो इसको कोई बहुत ढंग से देखने की जरूरत नहीं है. इसमें भी सेम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल हो सकता है, तो एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. बस जहां जहां शेयर लिखते थे वहां वहां डिबेंचर लिख देना. दैट्स द सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ द थिंग्स. और सिर्फ डिफरेंस ये है कि जहां शेयर लिखते वहां डिबेंचर लिख देना, दैट्स इट. आपको ये मेथड जानने की ज्यादा जरूरत इसके लिए है क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी मेथड पर टिका हुआ है. क्यों? क्योंकि शेयर्स पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इतना कॉम्प्लिकेशन दोनों चैप्टर में नहीं डालते हैं. ये चैप्टर 6 मार्क का है, 6 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा अब जो पार्ट आने वाला है उसमें देखते हैं. तो बच्चों लमसम मेथड में ये दोनों एंट्री हमेशा याद रखना. अब करते हैं आगे की बात. तो अब जो पार्ट आ रहा है उसे बहुत ध्यान सुनना. जिस दिन आपने डिबेंचर इशू किया उसी दिन डिबेंचर को पे करने की तैयारी कर देना. क्यों? लोन आप उस दिन नहीं भरते जिस दिन उसका समय पूरा हो जाए. लोन आप धीरे धीरे करके पैसे जमा करके भर देते हो. कंपनी ऐसा नहीं करती क्योंकि कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक बार में पैसे दिए हैं ना, तो आपको भी तो उनको पैसे एक बार में देने होंगे क्योंकि आप बड़ी पार्टी हैं. तो आप क्या करते हैं, आप पहले से पता लगाते हैं कि जब उनको पैसे वापस करने हैं तो उनको पैसे देने कितने होंगे. क्वेश्चन ये है कि पता कैसे लगाया जाए. तो बच्चों हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि आप जब भी कोई डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसे इस शर्त के साथ इशू करते हैं कि आप उसे रिडीम कैसे करेंगे. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिडीम करना. रिडीम का मतलब है पैसे वापस लौटा देना, और इसे कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. रिडीम करने का मतलब है कि आप तैयारी कर चुके हैं, तो डिबेंचर इशू करेंगे पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे. तो डिबेंचर कैन बी इश्यूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, बट डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड एट पार एंड प्रीमियम ओनली एंड नॉट एट डिस्काउंट. क्यों? आपका जो इन्वेस्टर है वो मूर्ख नहीं है, वो कभी कम पैसे में वापस नहीं लेगा आपसे. वो हमेशा कहेगा या तो मुझे जितना पैसा लिया था उतना पैसा दो, या तो प्रीमियम पे मुझे वापस करके दो, क्योंकि डिस्काउंट इश्यू करना आपकी मजबूरी है.
उनकी नहीं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट पैसे वापस लौटाना आपकी मजबूरी, कोई आपने उनसे कर्ज लेकर रखा हुआ है। तो बच्चों जो 6 जर्नल एंट्री भी देखने जा रहे हैं, जो 6 केसेस में अलग अलग जर्नल एंट्री आप देखने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें, या फिर काफी काम आएगा। केस नंबर 1, डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। देन नेक्स्ट, डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। एंड डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करें, पहले डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीम एट पार करते हैं। सबसे सिंपल वाला केस करते हैं, तो जो पड़ा था वही है। पहला, पैसे ले लो, मान के चलते हैं हमारे पास 100 रुपए का एक ही डिबेंचर है। सबसे सिंपल केस कर देना, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए लिए टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपए। 100 रुपए लिए थे, 100 रुपए का डिबेंचर है, ट्रांसफर कर दो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब ये रिड्यूअल किस पर ध्यान रखना, डिबेंचर होल्डर को पैसे कितने देने थे, पार का मतलब होता है 100, पार का मतलब होता है 100, ठीक है। पार का मतलब 100, प्रीमियम का मतलब 110 मान लेते हैं, और डिस्काउंट का मतलब 90 मान लेते हैं। 10% तो 110, 10% माइनस तो 90। पार का मतलब 100 और प्रीमियम का मतलब 110। 110 नॉर्मल केस ले, वो 110% ये मान के चल ले रहे हैं। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपए ले लिए, ये एंट्री हर जगह सेम रहेगी। दूसरी एंट्री देख लो पैसे कितने लौटाने हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स को 100 रुपए चाहिए, ठीक है। तो 100 रुपए तो ऑलरेडी हम लोग जमा कर ही चुके हैं, तो एक्स्ट्रा जमा करने की क्या जरूरत है, काम खत्म हो गया इनका, तो बस कुछ भी एक्स्ट्रा मारने की जरूरत नहीं, जो है वही रहने दो। अगला केस देखते हैं, डिबेंचर इश्यू किया 100 रुपए पे, रिडीम करेंगे 110 रुपए पे, मतलब रिडम्पशन के समय 110 रुपए देने, बस ये ध्यान रखना। चलो पैसे ले लो, पहले बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिला 100 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना मिला 100 अगेन। पैसे लौटाने की भी तैयारी रख लेते हैं, चलो ट्रांसफर कर दो पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 टू, ये दोनों एंट्री हमसे कॉमन ही मारना, टू डिबेंचर अकाउंट 100, क्योंकि डिबेंचर अकाउंट में तो हमेशा 100 ही रुपए ट्रांसफर होंगे। क्वेश्चन ये है डिबेंचर होल्डर को पैसे कितने देने हैं, 110, बट यहां तो 100 ही है, 10 कहां डालू, 10 डालना होगा तैयारी करने के लिए। कहां, कौन सी तैयारी, उनको प्रीमियम देना है रिडम्पशन के समय में, तो उस अकाउंट का नाम बनेगा प्रीमियम फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो एक नया अकाउंट बनाओ, टू प्रीमियम फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपए, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपए, डिबेंचर में डाले 100 रुपए, पैसे जब वापस कर रहे हैं तो 10 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, तो उसके 10 रुपए की तैयारी भी कर लेते हैं। अब यहां 110 है, यहां पे 100 ही है, बाकी 10 कहां से लाएंगे, बाकी 10 डेबिट में जाएगा, वो हमारा नुकसान है, इस इश्यू पे हमें 10 रुपए का नुकसान हुआ है। तो क्या लिखें, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 110। तो जब भी आपको डिबेंचर इश्यू करने पे नुकसान हो, आप उसको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दिखाते हैं, 110, 110, बस इतना ही है। नेक्स्ट,
डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम, तो ये एंट्री तो हर जगह सेम ही आएगी, जितना पैसा लिया अपन तो दिखा दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ एक्सपोजर दिखाएंगे, है नहीं। जो दूसरी एंट्री है ये हमेशा अलग रहेगी, ये एंट्री यहां पर भी सेम, बट यहां अमाउंट 110 डाल देना, 110 डाल देना। दूसरी एंट्री यहां पे होगी, रिडीम करना है पार पे, तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर अकाउंट, कहा था डिबेंचर अकाउंट में हमेशा 100 रुपए ट्रांसफर करना, 100 रुपए, बाकी 10 कहां डालेंगे, इसमें तो 10 ज्यादा मिल रहे क्योंकि हमें जितना मांगा था उतना ही देना है, 100 का 100 ही देना है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसमें एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे जुटाने नहीं पड़ रहे हैं बच्चों, तो हमारा फायदा है, फायदा दिखाने की जरूरत है नहीं, डेबिट में 110 है, क्रेडिट में 110 हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट, डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम रिडीम्ड एट प्रीमियम, ये केस थोड़ा सा अलग है, देख लेते इसको, पहली एंट्री तो हर बार की तरह सेम, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 110 110, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 110 टू डिबेंचर अकाउंट 100 हर बार की तरह टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए टू डिबेंचर रिडीम करने के समय ज्यादा पैसे देने हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट पीआरडी अकाउंट उसको बोल देते हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपए 120 हो गया यहां पे 10 रुपए ये 10 क्या है ये 10 आपका लॉस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट बस एक प्रीमियम पे जब रिडीम करेगा तो उसको ध्यान रखना प्रीमियम पर रिडम्पशन आना ही है और लॉस होना ही है अब डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार या रिडीमेबल एट पार ये कैसे पता चलेगा आपको ये क्वेश्चन लिखा रहेगा कि डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार रिडीमेबल एट पार का कोई ज्यादा परेशानी नहीं है वो तो सिंपल है सेम बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 90 90 यहां पे 90 रुपए ही मिल रहे हैं ट्रांसफर कितना करना है ट्रांसफर करना है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 ये ध्यान से देखना टू डिबेंचर अकाउंट 100 लौटाने कितने हैं 100 लौटाने वो हमारे पास है बट अभी 90 और 100 यहां पे है बाकी 10 कहां गए बाकी 10 तो डेबिट में है ना क्या इसको लॉस लिख दूं ये लॉस नहीं है ये तो मैंने खुद का किया हुआ लॉस है ना तो ये डिस्काउंट है तो लिखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 90 और 10 100 और ये है 100 तो बस ये ध्यान रखें कि जब भी डिस्काउंट करें या और डिस्काउंट पे रिडीम डिस्काउंट पे इश्यू करें और पार पे रिडीम करें तो उसमें 10 रुपए का नुकसान तो आपको होगा ही 10 रुपए का नुकसान होगा तो आप उसको डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर दिखाएंगे एंड इश्यूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम सेम एंट्री ये वाली 90 90 ये थोड़ी बड़ी एंट्री है इसको थोड़ा ध्यान से देखना सबसे पहले एंट्री ये पूरा लिख के दे रहा हूं सबसे पहले एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 टू डिबेंचर अकाउंट हर बार की तरह 100 टू कितने लौटाने हैं 10 रुपए एक्स्ट्रा तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 110 की तैयारी कर ली अब यहां 110 यहां पे 90 है कहां से लाऊं तो 10 रुपए का लॉस और 10 रुपए डिस्काउंट तो डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट है
एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए 110 110। दैट वॉज ऑल अबाउट एवरीथिंग ऑन डिबेंचर इश्यूड एंड रिडीम। क्वेश्चन कैसे आएंगे? डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट, रिड्यूएबल एट प्रीमियम। अब बोर्ड में 6 नंबर क्वेश्चन का था, कौन सा था वो भी सुन लो। डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट, रिड्यूएबल एट प्रीमियम। डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम, रिड्यूएबल एट प्रीमियम। एंड डिबेंचर इश्यूड एट पार, रिड्यूएबल एट प्रीमियम। रिड्यूएबल एट प्रीमियम तो 110% है, तो प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट मत भूलना। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू मत भूलना, एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट मत भूलना। कौन कौन सी नई चीजें हैं वो एक बार देख लो। नंबर वन, पहली बात तो आप पहली बार ये बना रहे हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट पहली बार हुआ, प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पहली बार हुआ, देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ये पहली बार हुआ है। तो ये तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द डिस्काउंट एंड डिबेंचर अकाउंट, हाउ टू शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और हाउ टू स्कोर 6 मार्क्स। इससे टफ क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू।